इस वागले आपने अपने फटे जूतों से भी ऊंची छलांग लगाई। एक कहावत है, अगर इंसान के पर्सनालिटी को जानना हो तो उसके जूतों को देखो, और आपने अपने जूतों के थ्रू ना सिर्फ अपनी सोच बल्कि इस कंपनी के अप्रोच को भी बताया। कैसे आप लोग काम के लिए किसी की परवाह नहीं करते, हमें आप जैसे ही लोग चाहिए। वी नीड पीपल लाइक यू जिनके क्वालिटी लीडरशिप के साथ हमारी कंपनी भी ग्रो कर सकती है। और हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा जी, मेरी तरफ से आपके पिताजी के लिए नए पैर ऑफ शूज लेके जाने होंगे एज अ गिफ्ट। मेरे पिताजी भी तुम्हारे पिताजी जैसे थे, उनके भी जूते फटे थे, पर हमें तब पता चला जब वो चले गए। काश सही वक्त पर मैं उनके लिए जूते लाता। सॉरी एंड थैंक यू। कम, लेट्स सी योर प्रेजेंटेशन। ग्रेट सर, उसके पहले थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। मांगी लाल के समोसे और मैम आपके लिए वाटरमेलन जूस। बिल्कुल सही है, लेकिन राजू तू कुछ ज्यादा ही बोल गया है ना। हाँ, अरे अगर वो राव साहब तुझे वो कांटेक्ट नहीं देते तो? नहीं देता तो नहीं देता, लेकिन जो बात गलत है वो तो उसे सुनानी ही थी। कुछ बातें ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट, डील और पैसों से बढ़कर होती। पर राजू, मेरे जूते तो हीरो निकले। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, जूतों से याद है सखी, बैग जरा खोलो। हाँ। क्या है? अरे देखिए तो सही, जूते। पापा, राव ने आपके लिए ब्रांड न्यू जूते भेजे। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, आ जाओ बेटा, बैठो। एंड आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे सुबह रूडली बात की। आप मुझे कह रही थी ना मंदिर जाकर हम माथा टेक कराओ, आज मैं एक बात सीख गया, माँ की बात और भगवान का काम कभी गड़बड़ नहीं करता। क्योंकि माँ हो या भगवान हो, ये दोनों अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। हाँ, हम बच्चों को अकल आने में थोड़ी देर लगती है। सच में? चलो इसी बात पे ना मेरे हाथ से मिठाई खा। अरे क्या बात, वाह वाह। वैसे पापा, आपने जिस तरह से अपने पुराने जूते संभाल के रखे थे ना, उससे ये समझ में आया कि कई ऐसी पुरानी चीजें होती हैं जिनसे हमारी यू नो गहरी यादें जुड़ी होती हैं, और उनको कभी भी फेंकना या बेचना नहीं चाहिए। बिल्कुल बहू, इसी बात पे तू भी मुंह मीठा कर। ये थैंक यू। वाह। एक मिनट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो जो रहस्य है उस पर पर्दा गिरना बाकी है। वो चोर कौन है जो जूते तो चुरा ले जाता है लेकिन वहां पर गुलाब का फूल रखकर जाता है? ऐसा क्यों करता होगा वो? अरे सोच, इतना मत सोचिए, होगा कोई। खाना खाओ। अरे गुड मॉर्निंग दक्कू भाई। दक्कू भाई गुड मॉर्निंग। क्या दक्कू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया दक्कू भाई को? मारो क्या पता? नहीं, यहाँ पे ऐसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला, ऐसे हाथ पकड़ा था तो ऐसे झटक दिया हाथ मेरा, चले गया। गुस्से में है क्या? छोड़ो ना, झगड़ा है। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अरे पूछते हैं। अरे क्या पूछते हैं, आइए ना। अरे क्यों मगन मारी कर रहे हो? अरे क्या टेंशन, पूछ तो ले। अरे उसकी शक्ल ही ऐसी है क्या राजेश भाई, छोड़ो ना यार। क्यों क्यों, मैं आप
लोगों को क्यों बताऊं कि क्या बात है? बोलिए। देखो भाई, क्या है कि हमें फिकर है आपकी, इसीलिए हम यहाँ आए। आपको इतने गुस्से में देखा ना, इसीलिए कि पूछते भाई। देखो वैसे कि हुआ क्या है, हाँ क्या हुआ है? जो भी हुआ हो, बस इतना समझ लीजिए कि मैं ब्रह्मांड हिला दूंगा। बे, ब्रह्मांड बाद में हिलाना, पहले जबान हिला और बता क्या हुआ है। क्यों बताऊं कि क्या हुआ है? और पंटर, तुझे कोई काम धंधा नहीं है जो मुंह उठा कर यहाँ चलाया? जा, भाग जा यहाँ से। हाँ। ये आपकी वजह से, मेरी गलती थी तो मैंने इसको पूछा क्या हुआ। ये करेले के बीच से बने हुए चूरन से, सड़े हुए सिंगारे से बने हुए मंजन, कहा ना मंगलवार। जा, भाग। अच्छा नहीं लग रहा है ना? डॉक्टर बेचारा सुबह से गार्डन में बैठा हुआ है, भूखा होगा, कुछ खाया नहीं है उसने। ठीक कह रही हो राधिका, डॉक्टर भी हमारे लिए बेटे जैसा है, हमें चलकर उसे कुछ खिला देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। एक काम करते हैं, मैं प्लेट रेडी कर देती हूँ, हम लोग सब चलते हैं उनको खाना खिला देते हैं। एक मिनट, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि वो डॉक्टर भाई है, अकड़ के आगे वो किसी की नहीं सुनने वाला। मैं भी नहीं चाहता कि वो भूखे रहे, लेकिन आप लोग तैयार है ना? ये जो कुछ आप कर रहे हैं वो अच्छा है, ले चलते खाना, लेकिन तैयार है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जस्ट चेतावनी दे रहा हूं। हाँ ले लो, ले लो। चाहे कैसे भी रिएक्ट करें, लेकिन अगर वो भूखे हैं तो हम खाना कैसे खा सकते हैं? एक हम है जो उस नीम के कड़वे पत्ते के बारे में कितना सोचते हैं। अरे वो है तो यामिनी अभी से तो नाराज है, लेकिन हम सब पे भी गुस्सा उतार रहा है। झलक कहीं का तनी, यामिनी भाभी का क्या हाल होगा? मम्मा, मैं पापा के पास गई थी तो उन्होंने तो खाना खाने से मना कर दिया। आप प्लीज खा लो ना। मुझे पता है आप दोनों का चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, जब तक पापा खाना नहीं खाएंगे आप भी नहीं खाओगी। प्लीज मम्मा, पैचअप कर लो ना। पति भूखा हो और पत्नी भूखी रहे तो वो पत्नी धर्म है, लेकिन पैचअप नहीं करूंगी क्योंकि अभी दिमाग गरम है। अभी दिमाग गरम है। थैंक यू। ओले! एकदम गरम है खाना। देखो भाई, गर्मा गर्म खाने दे, आमरस वगैरह खा लीजिए, खा लीजिए। चलिए, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ दक्को भाई, देखिए तो सही कितना टेस्टी खाना बनाया मैंने। सारी आपकी फेवरेट डिशेस बनाई है, आमरस भी है। मना मत कीजिए, प्लीज खा लीजिए। मैं कह रहा था ना कि ये मानेंगे नहीं, उनकी जो अक्कड़ है ना वो मतलब ये साई दर्शन की बिल्डिंग से भी बड़ी है। ओ राजेश भाई, व्हाट? आपने मुझे अकड़ू बोला? व्हाट? अबे अगर तू अकड़ू नहीं है तो ये अखरोट के कवर की तरह अकड़ना छोड़ और चुपचाप खाना खा ले। पंटर, व्हाट? तूने मुझे अखरोट का कवर बोला? अरे दक्षिण भैया, दक्षिण भैया, उन्हें छोड़िए ना आप। ये लीजिए, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म, आपको बहुत पसंद है ना, लीजिए। और ये भी। नो 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 नो, ना मुझे मीठा खाना है ना तीखा खाना है, ये रूठे हुए इंसान के लिए रूल्स के खिलाफ है। अबे चिले हुए तरबूज के बीज, रूल्स की बात तो करना ही नहीं है मारे से। एक बात बता मारे को। नहीं रुकना रुकना, एक बात बता, ये गार्डन में सोना सोसाइटी रूल्स के खिलाफ है, उन्हें तो घर बसा के रखा है।
हाँ, ये क्या बात है अर्षद भाई, पॉइंट है। है? तो तू क्यों रूल का पालन नहीं कर रहा है? तू तो हमेशा बोलते रहता है रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करते फूल्स, और फूल्स मतलब डाकू। नहीं मरा मरा है। सही कहा पेंटर तूने, सही कहा। हाँ चलिए, मैं रूल कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, बट आई एम नॉट फूल्स, ओके? इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यस, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? सही सुना आपने, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ, बाय। तक्षिश भैया, अरे क्या कर रहे हो? अब क्यों जिद कर रहे हो? अरे नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। तकु भाई प्लीज। देखिए, हम सब जानते हैं कि सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ना आप सोसाइटी के गार्डन में रह सकते हैं, ना सोसाइटी के ऑफिस में रह सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हैं। बंधु क्या मना नहीं कर सकते हो तुम राज? दक्कू भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा ही है। जब तक यामिनी भाभी और दक्कू भाई का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, दक्कू भाई हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। हर्षद भाई, हर्षद भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दक्कू भाई प्लीज मना मत कीजिएगा। वाह वन्ना भाभी वाह, आप धन्य हैं, आप महान हैं, और आप तो जानती हैं मैं आपको मना कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। सॉरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।